गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। आज भले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंत्री सहित पूरा प्रशासनिक महकमा कोरवाडी पंचायत में योजनाओं की लंबी फेहरिस्त लेकर पहुंचा हो, लेकिन जिला का यही एक पंचायत है जहां के मुखिया द्वारा अपने पंचायत को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है, जिसका प्रमाण है कि पंचायत की जनता द्वारा शरीफ अंसारी को लगातार तीसरी बार अपना मुखिया चुना गया है, जिसका आलम है कि कल को विकास से महरूम कोरवाडी पंचायत आज पूरी तरह से विकसित हो रहा है। उधर आज के कार्यक्रम के उपरांत गीतांश टीवी से बात करते हुए मुखिया शरीफ अंसारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुखिया जी क्या कहेंगे आप आज पंचायत में कार्यक्रम? आज कोरवाडी पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम पहले से समय निर्धारित था, जिसमें हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, उप विकास आयुक्त, हमारे सभी जिला पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी आए, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो भी योजना के बारे में हमारे स्टॉल लगा हुआ है, हमारे पंचायत की जनता हर तरह के अपने अपने जो योजना चाहते हैं अपना दे रहे हैं। इसको मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो भी योजना दे रहे हैं, हम पंचायत का जिम्मेवारी बनता है कि इसको लागू कराना। जा करके बैठ करके मेरा कोशिश होगा कि हर योजना को ऑनलाइन करा करके सरकार को भेज करके मैं पंचायत भवन में जनता को बैठक करा के इसको बताऊँ कि आपकी योजना हो गई है, ये मेरे प्राथमिकता होगी। और आज तमाम हमारे जो सहयोगी लोग हैं, जो हमारे साथ दिए हैं, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे हमारे गांव के सभी अभावी गार्जियन नौजवान साथी हों, सभी को मैं हार्दिक तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अपने पंचायत के लोग क्या अपील करेंगे? मैं पंचायत से अपील यही करूँगा कि हमारा गाँव का जो हमारा गाँव जो है किसान और मजदूर का गाँव है, हम आगे बढ़ करके हम चाहेंगे कि इस गाँव का विकास में हमें सहयोग करें, सब मिलजुल करके चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें और पंचायत कोरवाडी को एक झारखंड के मानचित्र पर अपना नाम दर्ज कराएं। सभी मिलकर के यही हम चाहेंगे, सभी लोग मिलकर के पंचायत को नाम रोशन करें।